जिस दिन हम पहुंच रहे हैं मक्के की सरजमीन, वो दिन है जुम्मे का। जहाज उड़ेगा, हम पहुंचेंगे जद्दा। जद्दा के बाद आधा पौना घंटा लगेगा, गाड़ी आएगी, हम गाड़ी में बैठेंगे। ढाई घंटे का रास्ता मक्का। अब जैसे ही, अब समझिएगा, जहाज के उड़ने की टाइमिंग अलग, गाड़ी हमको बिठाकर जद्दा से मक्का लेके जाएगा, तो गाड़ी आने में आधा पौना घंटा लगेगा, हम बैठे होंगे, गाड़ी ढाई घंटे में पहुंचाएगी मक्का। इस वक्त मक्का में तारीख के, यानी कि हाईएस्ट रिकॉर्ड में सारा रिकॉर्ड टूट चुका है, इतने लोग मौजूद हैं। अल्लाह पाक सबका नाम शामिल कर दे, 51 लाख लोग मौजूद हैं इस वक्त। हज में 27-28 लाख होते हैं, आपकी सोच है। इसीलिए सिर्फ 3 दिन मैंने रखा है शटल सर्विस, मुझे पता है कि करीब का क्या हाल हो रहा हो, कितने आजमाइश में लोग होंगे। तो 3 दिन शटल सर्विस का रखने का मकसद ये कि थोड़ा होटल दूर होगा उस वक्त 3 दिनों के लिए हमारा, तो हम क्या करेंगे, सुकून से अपने होटल पहुंचेंगे। अगर हम करीब रहे तो उतारेगा वहाँ सामान खींच के, दूर से चलो क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। मैं कहूँ रास्ते सारे बंद हैं तो आप चलते हुए आएंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। दूर होटल में फायदा होगा कि करीब तरीब आपको उतार देगा सामान लगने, क्योंकि थके हुए होंगे उस वक्त, पूरी रात के जगे हुए हैं, सफर का मामला अलग। जैसे ही हम होटल पहुंचेंगे नाजरत, वो कहेगा कि नहीं, हम पहुंचे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, वो कहेगा आपका रूम ही नहीं, इतना गुस्सा आपको आएगा उस वक्त। मेरी बात अभी समझ ले, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस होता क्या है नॉर्मली ना, आपको रूम ही नहीं देगा, अब गुस्सा आ जाएगा, यार कैसा क्या कर दिया ये वो। भाई शेड्यूल है, चेक इन टाइमिंग जो होती है वो 2 से 2:30 बजे होती है, जो रूम देने की टाइमिंग होती है इंटरनेशनल, वो 2-2:30 बजे आपको रूम मिलता है। वो पहले देते उसकी मेहरबानी है, रूम खाली उसकी मेहरबानी है। रूम खाली करने की टाइमिंग होती है सुबह 12 बजे, 2 घंटे वो चेक करते हैं, सामान साफ सुथरा करते हैं, बेड वेड सेट करते हैं, सफाई करने के बाद रूम देते हैं। लेकिन जिस दिन हम पहुंचेंगे उस दिन वो है जुम्मे का दिन। अब टेक्निकल बात समझिएगा, 11:30 बजे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमने फौरन क्या करना है, होटल में सामान रखना है और जल्दी उमरे के लिए आ जाना है। अगर हम उमरे के लिए आ गए, जल्दी जल्दी हमने उमरा कर लिया तो ठीक है, वरना बहुत आजमाइश है। लेकिन जितनी आजमाइश होती है उतना बड़ा अल्लाह अजर देता है आपको और हमें। मुबारक हो अल्लाह पाक, हमें पहला उमरा जो बड़ा उमरा है वो जुम्मे के दिन का अता फरमा रहा है ना, बरकत वाली बात। मुश्किलात आएंगी, परेशानी होगी, लेकिन हर परेशानी मोमिन के अगर कांटा चुभे, हुजूर फरमाते हैं अगर उस पर सबर करे तो उस कांटे छोटा चुभता है ना, जो पहाड़ जैसा अजर अल्लाह अता फरमा देता है। ये समझ के चलिएगा, आप पहुंचेंगे होटल में, आपने सामान रखना है, वो रूम नहीं कोई मसला नहीं, हमको रूम चाहिए ही नहीं, ये भी जाओ क्योंकि हमने उमरा करना है पहले, जल्दी 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 उमरे की तरफ जाना है हमने। जितनी जल्दी उमरा कर लेंगे एहराम की पाबंदी से बाहर आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आपने बोला बहुत थका हुआ, नींद आ रही, सोना है, ये वो है, तो भाई किसी को नींद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। एज अ ग्रुप लीडर हम ये सजेस्ट करते हैं कि फौरन पहले उमरा करके फारिग हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सुकून से हो जाओ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप रात तक रहेंगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उसके बाद क्या बताइए। 4:30 बजे से जो हरम बंद होना शुरू होगा, 4 बजे, 4:30, 4:30 बजे से वो रात के जाके 11 बजे खुलेगा, क्योंकि असर की नमाज उसके बाद रश, मगरिब की नमाज उसके बाद रश, इफ्तार, फिर इफ्तार के बाद फिर सलातुल वाबीन, उसके बाद फिर ईशा तरावी। आप नहीं कर सकते, आपको अभी बता रहा हूँ, जितनी भी परेशान जितने फौरन उमरा करने जाना है, उमरा करके आ जाना है। जब आप होटल पहुंचेंगे, बहुत से लोग बहुत होते कि यार सिम तो पाकिस्तान की चलाऊंगा, वहां जाके जितने परेशान होते हैं ना उनको अंदाजा भी नहीं। अभी आप सब पाकिस्तान में सोचो, हर बंदा क्या चाहता है, किसी के जोंग का नंबर हो तो देना यार। हम क्यों कहते हैं ये बात बताइए, इसलिए कहते हैं कि जोंग में हमें रिलैक्स पड़ता है, पैसे बच जाते हैं, पैकेज हमारा होता है, हम कहते हैं जोंग का नंबर हो तो देना, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। बिल्कुल अगर आप सोचे कि अगर आप पाकिस्तानी नंबर को रूमिंग करवा लेंगे, कन्वर्ट करा के वहां जाएंगे, तो भाई आपका रब्ता सिर्फ हमसे कोई होगा, आपको गाड़ी वाले से भी रब्ता करना पड़ेगा, आपको कभी होटल वाले से रब्ता करना पड़ेगा, अच्छा आपको करना पड़ेगा, कभी उसको करना पड़ेगा,
आपके काम के लिए आपको फोन ही नहीं करेगा। उनकी पहली डिमांड ये होती है कि आप वहां का लोकल नंबर खरीदे पहले आप। अगर आपके पास नंबर नहीं है, मैं भी समझा रहा हूँ, अगर आप नंबर नहीं लेंगे आजमाइश में आ जाएंगे। सबसे पहले वहां पर अपने वो एक पर्चा जो मैंने आपको बताया था वो लेके किसी भी, आपने एयरपोर्ट में सिम नहीं लेनी, एयरपोर्ट में सिम नहीं लेनी, ठीक है। एक आध को सिम ले ले, काम चला लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर जब पहुंचेंगे वाईफाई कनेक्ट करेंगे घर वालों को, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, बाकी बातें इंशाल्लाह हम फारिग होने के बाद करेंगे आपसे। एयरपोर्ट पे वाईफाई से कनेक्ट होके अपने व्हाट्सएप से सिर्फ उनको सलाम दुआ कर लें, बात खत्म करें। अगर आपने एयरपोर्ट पे सिम नहीं, ज्यादातर सिम फेक होती है, आपके दो तीन दफा थम लगा देते हैं, बहुत मसाइल है वहाँ पे, तो इसलिए आपने सिम लेनी फ्रेंचाइज से जाके सुकून से, ठीक है। वो कैसे देंगे सिम, जब आप ये पर्चा लेके जाएंगे, आपको वीजा नंबर लिखेगा, साइन करेगा, सिस्टम में डालेगा, सिम दे देगा। सिम लाजमी लेनी आपने। जब आप होटल पहुंचे तो होटल पहुंचने के बाद आपने होटल का कार्ड दो चार ले लेना आपने। आप गुम हो जाए कार्ड अपने पास रखिएगा, कहीं भी घूमोगे टेंशन नहीं, कार्ड आपके पास है, किसी को बोलेंगे यहाँ पहुँचा दो, गाड़ी वाला ही पहुँचा देगा आपको। ये वो चीज़ें जो आपको लाजमी लाजमी करनी है। आप कार्ड लेना भूल गए, आप सिम नहीं लेंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई बात किसी को पूछनी हो, अब रहने की जगह तो मिलेगी, लेकिन उस वक्त क्योंकि हमारी टाइमिंग पहुंचने की अलग है और चेक इन टाइमिंग अलग होती है। चेक इन टाइमिंग इंटरनेशनल रूल के मुताबिक जो होटल की होती है वो 2 बजे और 2:30 बजे के दरमियान होती है, लेकिन उस वक्त जुम्मा भी है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सब बुक है, लेकिन जब सब बुक है, लेकिन जो होटल खाली करेगा वो 12 बजे खाली करेगा और हमें मिलेगा 2 बजे, लेकिन हम वहाँ होंगे ही नहीं, हम तो होंगे उम्रे के टाइम उस वक्त। उसका तरीका कार क्या होगा, आपको एक जगह दे देगा, सब सामान रख लेंगे हम। हमने सबसे पहले उम्रा करना है, यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि होटल आप, हाँ ऐसा भी होता है कि कभी कभी होटल रूम खाली होता है, दे देता है, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इस वक्त जब 51 लाख हाजी होगा तो वो नहीं देगा। मुझे पता है कि कितना रश है इस वक्त, आउटस्टैंडिंग रश होता है ना, तो उसके बाद रूम खाली नहीं होगा। हम भी सोच के जाए, सामान कहीं नहीं जाएगा, इंशाल्लाह सामान वो कहते हैं सामान रख दो, या एक रूम दे देते हैं, सारा सामान वहाँ डाल देते हैं, पहले उमरा करके आए, जब तक आपको चाबी पकड़ा देगा आपको, टेंशन ही कोई नहीं। यानी कि ये सब बातें परेशानी की नहीं, जब परेशान हो रहे, क्योंकि उस वक्त आपकी जहन बहुत थका हुआ होगा, आपको बातों तो गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आएगा, फिर हमारा तो अल्लाह का शुक्र सफर होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सब जा रहा है कि गुस्से वाली बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, वो आपको रूम भी देगा इंशाल्लाह, अच्छी सर्विस भी देगा, लेकिन एक सिस्टम है हर चीज़ का जी। यहाँ तक कोई बात किसी को पूछनी हो, कोई बात, ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ। अब हम सीखते हैं कि उमरा इंशाल्लाह कैसे करेंगे। इंशाल्लाह देखिए, सबसे पहले उमरे में हम 4 चीजें याद कर लेते हैं। कितनी चीजें, हाथ ऐसे करें, 4 चीजें। सबसे पहले एहराम क्या है, एहराम। दूसरी चीज क्या है, तवाफ। क्या चीज है, तीसरी चीज क्या है, सफा मरवा सही करना। चौथी चीज क्या है, हलक कराना। कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। कितनी चीजें, नंबर 1 एहराम, नंबर 1 अल्लाह पाक सबको बांधने की तौफीक अता फरमाए, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, तवाफ काबा, ठीक है, नंबर 3 क्या है, सही करना, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, सही करना, और नंबर 4 क्या है, हलक कराना, ठीक है। अब हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब मैंने कहा कि पहले मैं सिखाऊंगा कैसे, कि जब हम नियत करेंगे, अब दोबारा वही चलते हैं, जैसे हम नियत करते हैं तो जब जहाज उड़ेगा हम नियत करेंगे, ए अल्लाह अज़्ज़वजल, मैं तेरी रिजा के लिए उम्रे की नियत करता हूँ, तू इस उम्रे को मेरी जानिब से कबूल और मंजूर फरमा और मुझे इसके लिए हिम्मत सेहत ताकत अता फरमा। ये दुआ करनी है, ए अल्लाह अज़्ज़वजल, मैं तेरी रिजा के लिए उम्रे की नियत करता हूँ, तू मेरी इस उम्रे को मेरी जानिब से कबूल फरमा और मुझे हिम्मत सेहत ताकत अता फरमा। जैसे ही आप नियत करेंगे,
आप पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाह لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اب اپنے جب پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا وقتن فوقتن ہی پڑھتے رہنا वक्तन फोक्तन कोई भूल जाए मुस्कुरा के लब्बैक का अल्लाह वो भी पढ़ने लग जाएगा ठीक है आप दिन दफा पढ़ना ठीक है जहाज सारा उम्रे का जहाज नहीं है अपने नजरों की हिफाजत में खुद करनी है जहाज कोई दुबई के कोई ऐसा कोई दुबई वाला भी बंदा वहां जा रहा होगा यहाँ से कोई वहां पहुंच हर किस्म के लोग होंगे सारे उम्रा करने नहीं जा रहे हैं ये तवज्जो रखिएगा बाद लोग पहले में जब दफा जब मैं गया था मैंने कहा उम्रे का जहाज नहीं है जहाज तो जहाज है उसमें उम्रे के मुसाफिर हैं कि नहीं बात की बात है ठीक है तो हमने ये पढ़ना है ये कब तक पढ़ना है कि जब तक हम काबे के मताफ में यानी कि मताफ में ना चले जाएं तब तक हम पढ़ते रहेंगे काबा हमने देख लिया अभी हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है जैसे ही हम काबा देखेंगे जैसे हम काबा देखेंगे तो मुत्तफ़क़ अलैह गुफ्तगु है कि जो काबे पे पहली निगाह डालता है अल्लाह तबरक व तआला उसकी पहली दुआ को कबूल फरमा लेता है अब दुआ क्या करें सवाल ये है माँ ने कहा था बेटा मेरी सेहत के लिए दुआ करना बीवी ने कहा था कि बच्चों के लिए दुआ करना अच्छा बेटी के रिश्ते के लिए दुआ करना घर के लिए दुआ करना मुख्तलिफ पैकेजेस मांगे घर वालों ने दुआ क्या करें सवाल ये है तो सियाने फरमाते हैं ऐसी दुआ कर कि सारी दुआएं इसमें आ जाएं क्या दुआ कर क्या दुआ कर काबे को देख तो दुआ ये कर कि ए अल्लाह मैं और मेरी औलादें कयामत तक जो भी जायज दुआ मांगे कबूल कर लेना ये दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह मैं और मेरी औलादें इसके मायने ये हुआ कि अगर कोई शख्स जिसकी अभी भी शादी हुई है या कोई शख्स जिसकी अभी शादी नहीं हुई है इसके मायने ये हुआ कि अल्लाह तबरक व तआला उसे औलाद की नेमत से मालामाल भी करेगा इंशाल्लाह इससे किन से दुआ मांगो यार हैं थोड़ा आगे आगे हो जाओ माशाल्लाह जगह भर रही आगे आगे जाओ माशाल्लाह आ जाए बिल्कुल यहाँ आ जाए ना भर जाए ये जगह पहले आ जाए बार बार थकेंगे एक ही दफा आ गया उजर भाई आ जाए माशाल्लाह अब जो ठीक अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं बड़ी काबे के देखें क्या बोलेंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं और मेरी नस्लें क़यामत तक जो भी नेक और जायज दुआ मांगे तो उसे कबूल और मंजूर फरमा लेना ठीक है यकीन जानिए बड़ा मुश्किल काम है काबे को देखना बहुत मुश्किल काम है आप जाएंगे आपको आपको अंदाजा नहीं है अल्लाह पाक बार बार देखना नसीब फरमाए ठीक है अब हमने आपको चार चीजें सिखाई थी एक चीज सिखाई थी तवाफे काबा क्या सिखाई थी दूसरी चीज सिखाई थी हमने क्या बताइए पहले हमने एहराम बांधना सिखाया था तवाफे काबा सिखाया था सफा मरवा की सही सिखाई थी उसके बाद हलक करना सिखाया था अब हम सीखते हैं तवाफे काबा में दो चीजें और भी शामिल है तवाफे काबा में दो चीजें और भी शामिल है क्या शामिल है हमने एहराम बांध लिया एक काम कर लिया नियत कर ली एहराम के साथ क्या था दो रकात नफिल नमाज और नियत वो हमने कर ली एहराम एक काम था दो काम मुंसलिक थे एहराम क्या कितना काम था एक काम था उसमें दो काम मुंसलिक थे एहराम बांधना एक काम दो काम मुंसलिक क्या क्या थे नियत नमाज पढ़ना और नियत करना वो बात खत्म हो गई जब वो नियत कर लेंगे तो फिर क्या होगा चेहरा नहीं डाल सकते ठीक है नाखून नहीं काट सकते ठीक है बाल नहीं तोड़ सकते खुशबू नहीं लगा सकते ठीक है ये सब चीजें करनी है और फिर क्या है नियत करने के बाद अब हम आए अगले सेगमेंट की तरफ वो क्या है तवाफे काबा तवाफे काबा में दो काम करने हैं सबसे पहले आपने जब तवाफ करना है तो एहराम को अपने सीधे हाथ के नीचे से निकालना ठीक है और सात चक्कर लगाने कितने चक्कर लगाने हैं सात चक्कर लगाने अब मैं जो बात समझाना चाहता हूं आपको इस जगह हजरत असद मौजूद होता है इस जगह ठीक है दरवाजा देख रहे हैं आप मुल्तजम यहाँ पर खाना काबा का
दरवाजा मौजूद है और यहाँ पर आपका हजरत असद मौजूद होता है। देखें मॉडल मौजूद है, हजरत असद यहाँ मौजूद होता है। हजरत असद को सलाम करना है, कैसे करना है? ऐसे सलाम, सलाम अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, सलाम करना है आपने, ठीक है। हजरत उमर ना तवाफ काबा करते करते सलाम करने लग गए और कहा कि ए हजरत असद, तुझे इसलिए कोई चूमता हूँ, तुझे इसलिए कोई चूमता हूँ जन्नत से आया है, बल्कि उमर ने देखा हुजूर ने तुझे अपने बोसे दिए हैं, इसलिए चूमता हूँ। हजरत असद तुम खुश नसीब है कि मेरे आका ने, अंबिया अलैहि सलाम ने, साहबा कराम ने, औलिया कराम ने, हाँ ये इसकी बारगाह में इन्होंने हाजिरी दी है। हाँ जी, अंबिया कराम को इसने अपना बोसा दिया है, हुजूर का बोसा लिया है, साहबा कराम का बोसा लिया इसने, औलिया कराम ने इसका बोसा लिया। अगर कायनात में कोई ऐसी जमीन है, ऐसा खित्ता है कि जहाँ पर नबी भी खड़े हुए हों और साहबा भी खड़े हुए हों, औलिया भी खड़े हुए हों, तो वो हजरत असद का मुकाम है। माशाल्लाह, वो मुकाम हजरत असद है कि जहाँ पर नबी भी खड़े हुए, जहाँ पर साहबी भी खड़े हुए, जहाँ पर अल्लाह के वली भी खड़े हुए, ऐसे मुकाम पर हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ऐसे करना है, ठीक है। पूरे तवाफ में एक ही बार अपना सीना आपने खाने काबा की तरफ करना है, एक ही बार। मिसाल के तौर पर ये हजरत असद है, मैं पहली बार एक ही बार ऐसे खड़ा होऊंगा, उसके बाद ये मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है ये चलता रहेगा इसके साथ, बस ऐसे ऐसे देखते रहेंगे बस, और सलाम ऐसे करेंगे बस, ऐसे पैर को नहीं मोड़ेंगे, सात तवाफ करेंगे, सात तवाफ होगा और आठ सलाम होगा, कितने होंगे? सलाम से शुरू करेंगे एक चक्कर, फिर सलाम करेंगे दूसरा चक्कर, फिर सलाम करेंगे तीसरा चक्कर, फिर बोलिए चौथा सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, सात हो गए, जब एंड होगा तो आखिरी में सलाम भी करेंगे, आठ हो जाएंगे, सात चक्कर आठ सलाम, ठीक है, सात चक्कर, जोर से बोलिए। अच्छा जी, ये तो सीख गए, लेकिन मुझे बताइए पढ़ेंगे क्या मौलवी साहब? बहुत से लोग किताब में लगे पढ़े होते किताब, बहुत से लोग लाइव में लगे होते हैं, बहुत से लोग किताब में लगे होते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह की बारगाह में आपकी आवाज नहीं बल्कि आपका इखलास और अंदाज देखा जाता है। बस दुआएं मांगनी, क्या मांगनी आपको सिखाते हैं, चल आसान सिखाते हैं, इससे भी कोई आसान हो वो भी कर लीजिएगा, ना है तो उर्दू में पढ़ लीजिएगा, और बहुत कुछ आता है बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा, जाहिर की आसानी के लिए। जब आपने पहला सलाम किया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ठीक है, वलिल्लाहिल हम्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सलाम भी करना है, उसके बाद अल्लाह के अंदर सना बयान करनी, हुजूर पे दुरूद पढ़कर, जैसे ही आपने यहाँ से और इस कोने तक आना है, इस कोने के बाद एक गोल सी छोटी दीवार है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं उमर भाई? हाँ, तवज्जो यहाँ रहनी चाहिए, मोबाइल में है ना, इसलिए बहरहाल, तो उसको हतीम कहते हैं। पता हतीम क्या है? हतीम ये है कि बनू जुरम कबीला जब खाना काबा की तामीर कर रहा था, उसको पैसे खत्म हो गए, तो उसने कहा छोटी दीवार कर लो भाई, पैसे खत्म हो गए। हुजूर फरमाते ये हतीम भी काबे के अंदर का हिस्सा है, अगर जो गेट किसी बड़े के लिए खुल जाए, लेकिन हुजूर की निगाह जानती थी कि उम्मत यहाँ पे आके नमाज पढ़ेगी तो खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, बरकत है ना वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने यहाँ से शुरू किया, इस्लाम किया, और जहाँ से हतीम शुरू हो रहा है, इस कोने से इस कोने तक, अभी हतीम शुरू जहाँ हो रहा है वहां तक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपने पढ़ना है अल्हम्दो शरीफ कुल हो अल्लाह अहद, बस क्या पढ़िएगा, और कुल हो अल्लाह अहद, बस नहीं कुछ भी आता आप ये पढ़िए, अल्लाह के अंदर सना बयान कीजिए, कहिए कि रहमान है, रहीम है, यौम जजा का मालिक है, हमें अच्छे रस्ते पे चलाने वाला है, उससे दुआ मांगिए, कहिए कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, उसका कोई सानी नहीं, बयान कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए, अल्लाह के अंदर सना बयान कीजिए, कहां से कहां तक? हजरत असद से लेकर हतीम के शुरू होने तक। और जैसे ही हतीम की दीवार शुरू होती है, वहां पर क्या है पता आपको? मक्काम इब्राहिम भी है। हाँ जी, वहां से लेकर जो गोल दीवार शुरू होती है, जहाँ खत्म होती है, जहां से गोल दीवार शुरू होती है और जहां पर
खत्म होती है। यहाँ क्या पढ़िए, कहा वहाँ वो पढ़िए कि जिन्होंने इसकी तामीर की है उनको याद कीजिए। कहा कैसे याद कीजिए, क्या ये अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम, जनाब इब्राहिम को याद कीजिए, उनके आल औलाद को याद कीजिए कि जिनके सदके ये काबे की तामीर हुई। अरे हुजूर को याद कीजिए, उनको आल औलाद को याद कीजिए कि जिनके सदके हमें ये मुयस्सर आया इस्लाम, कि अल्लाह ने हमें मौका दिया, आज हम इस काबे का तवाफ कर रहे हैं। ये जो हजरत अस्वद है ना, उसके बाद अतीम की दीवार शुरू होती है और जहां से खत्म होती है, दुरूद इब्राहिम पढ़िए, ज़ौक व शौक के साथ पढ़िए, मचल मचल के पढ़िए, झूम झूम के पढ़िए। अरे आज नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे दुरूद पाक यार, दुरूद इब्राहिम कब पढ़ेंगे? बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़िए, याद की जनाब इब्राहिम की बात है, उनके आल की बात है, हुजूर की बात है, हुजूर के आल की बात है, मचल मचल के या रसूलुल्लाह हम भी तो आपकी उम्मती हैं, हम भी तो आपकी उम्मती हैं, आपकी आल का सदका, जनाब इब्राहिम के आल का सदका, ए अल्लाह लाज रख ले मेरे आल औलाद को बार बार मुझ समेत यहाँ पर आना नसीब फरमा दे। मचल मचल के दुआ कीजिए, करेंगे इंशाल्लाह, जो नहीं करेंगे वो महरूम हो जाएंगे, वो लाइफ में लगे होंगे टक टक। हाँ देखो नजर आ रहे हैं, ये देखो नहीं जी इसलिए नहीं। हाँ कीजिए, वो कब कीजिए कि जब आप तवाफ से फारिग हो गए, उम्रे से फारिग हो गए, वैसे ही अगर अपने प्यारों को दिखाना है बात फिर दिखाइए, बार बार दिखाइए, मसला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बड़ा वक्त कीमती होता है। फिर जैसे ही हतीम खत्म हो, हतीम के खत्म होने से लेकर और एक वहां पर रुकने यमानी क्या है, वहां पर का मामला ये कि वहां पर दीवार नजर आती है, ठीक है, वहां पर एक रिवायत में जनाब अली के मुतल्लिक कहा था वहां पर हिदायत हुई काबे की दीवार शकवा, ये भी है और ये नहीं भी है, इसके अलावा भी, बहरहाल उस जगह पर जहां पर वहां पर सलाम ने घोसले वहां पर सलाम करने लग जाते हैं, वहां सलाम नहीं करना आपने, ठीक है। हमने दौरान तवाफ किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, क्यों, खुशबू लगी है, आपको खुशबू लग जाएगी, आपने किस अकीदत में भी लगाइएगा, अकीदत वैसे दिल से होती है लेकिन आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं खुशबू होगी, ठीक है जी। वहां से लेके वहां तक जहां हतीम खत्म होता है और रुकने यमानी तक आप क्या कीजिएगा, कहा कि क्या कीजिएगा, यहां से लेके यहां तक या इसके लेके आगे तक ये वक्त है दुआएं मांगने का। क्या वक्त है, रब्बना आतीना फिर दुनिया, ये दुआ मांग जो रब्बी जानली मुख, जो भी दुआ नहीं आती उर्दू में मांगिए, क्यों मांगिए, क्यों मांगिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमिन तो दुआ मांगता है, लेकिन यहाँ पर 70,000 फरिश्ते बैठकर मोमिन की दुआ के लिए आमीन कहते हैं, जुर्मन बैठा होता फरिश्तों का यार, आमीन के लिए जुर्मन बैठा है, हमें नजर नहीं आता। दुआएं मांगिए, दुआएं मांग, क्या मांगना है आपने, जो मांगना मांगिए, जो नेको जायज दुआ मांगना मांगिए, क्योंकि ये वक्त तो मांगने का है। और मांगते मांगते तीसरा कलमा पढ़िए, चौथा कलमा पढ़िए, पहला कलमा पढ़िए, और जैसे पढ़ते रहेंगे फिर हजरत अस्वद आ जाएगा बाहर लुटाता हुआ। दौरान तवाफ किसी को धक्का नहीं देना, धक्का खा लेना है, ठीक है, धक्का नहीं देना। अब हमने 7 तवाफ किए, ठीक है, तवाफ के साथ 2 चीजें और मुंसलिक हैं, जैसे ही तवाफ करेंगे वहां पर हम नमाज पढ़ेंगे, मुकाम इब्राहिम के बाद नमाज पढ़ने का मौका नहीं, बहुत रश होता है, तो अंदर सहन में जहां भी मौका मिले आपने नमाज पढ़नी। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जो उम्रा इज्तमाई किया जाएगा, जो पहला उम्रा इज्तमाई किया जाएगा, आप सब मेरे पीछे रहेंगे, आप सबकी जिम्मेदारी मुझे देखना है, मैं सबको देख सकूं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग ज्यादा हैं और आप सबको मुझे देखना आसान है कि एक बंदे को देखना, ठीक है, एक रेल आएगा आप किधर होंगे मैं किधर हूँ, आप बाद में शिकवा करेंगे क्या हुआ है, जो गांव देहात से आते ना वो भी उम्रा कर लेते हैं, मेरा रहना जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है जब तक जहां तक घूम के साथ रहेंगे, लेकिन वो रश का मामला ऐसा होता है कि आप नहीं कर सकते, चीजें सीख लीजिए, सब कुछ खुद कर लीजिए, सबका उम्रा एंड वहीं पे होगा जहां सबका होगा, कोई नई जगह पे नहीं होगा। बहरहाल जैसे तवाफ खत्म होगा, हमने जो ये नीचे किया हुआ था इसको ऊपर करेंगे और अब हम नमाज पढ़ेंगे। बहुत लोग ऐसे नमाज नहीं होगी, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद अगर इफ्तार का वक्त इफ्तार में है, अगर रोजे में है तो उस वक्त जमदम नहीं पियेंगे, और जमदम अगर पीने की नियत है और रोजे का टाइम खत्म हो गया, रोजा कर लिया इफ्तार, तो जब जमदम पियेंगे तो पहले एतकाफ की नियत करेंगे, वैसे मस्जिद में जाते ही नियत कर लेंगे, क्योंकि
जब इलाके की गली मोहल्ले की मस्जिद में कोई खाना पीना ममनू है तो वो तो हरम है ना, है वहाँ पे लोग पानी पिए खाना खा रहे खजूर खा रहे होते हैं। अरे सब खाइए, लेकिन यहाँ पे भी एहतिकाफ की नियत करनी है आपको, ठीक है। अगर रोजा नहीं है, रोजा है यानी कि रोजे का टाइम नहीं, तो रोजा होगा आपका, लेकिन उस वक्त जाकर रोजे का टाइम खत्म हो चुका, इफ्तार का टाइम हो चुका, तो आपने जमजम पीना है। और अगर मिसाल के तौर पर हम रोजे के टाइम हम होंगे तो उस वक्त क्या करना है आपने, उस वक्त ये करना है कि जमजम के पास खड़े होकर पीना नहीं है, खड़े होकर, जाहिर है अच्छों की नकल भी अच्छी होती है, उस वक्त हम पानी नहीं पियेंगे, लेकिन जमजम पे खड़े होकर दुआ मांगे, अल्लाह पाक हमारे हमारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा, बार बार जमजम पीना नसीब फरमा, जिसके अलावा खूब दुआएं मांगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सही करने, सफा मरवा की सही करने। ये तवाफ के साथ दो चीजें मुंसलिक थी कि तवाफ करना है, नमाज पढ़नी है, और क्या करना है, जमजम पीना है। जमजम हम इसलिए नहीं पियेंगे कि उस वक्त क्या है, हमारा रोजा है। बहरहाल उसको हम जाएंगे सही करने। सही करने का तरीकाकार ये है, जब सही के लिए जाएंगे तो खाना कावा की तरफ देखकर सलाम करना, एकदम अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना एकदम, और उसके बाद सफा से लेकर मरवा तक और मरवा से लेकर सफा तक दोबारा ये सही करनी है। अब सफा से गए मरवा कितने चक्कर हो गए, मरवा से आए सफा कितने चक्कर हो गए, फिर गए, फिर वापसी आए, फिर गए, फिर वापसी आए, फिर गए, सात। शुरू कहां से होगा, खत्म कहां होगा, मरवा पे खत्म होगा, ये इसकी एंडिंग पहचान है कि सफा से शुरू करेंगे और चक्कर मरवा पे खत्म होगा। जहां सब लाइटें होंगी वहां पर मर्द तेज तेज भागेंगे, लेकिन बेढंगे और बेवकार अंदाज से, बवकार अंदाज से लोग पागल की तरह भाग रहे होते हैं, पता नहीं क्या हो गया, शायद कोई गाय पकड़ने भाग रहे हैं, कोई बकरीद का सीजन आ गया, ऐसे बेढंगे अंदाज से नहीं, अदब मलहूज रखना है आपने। अगर आप चलते हैं थोड़ा तेज से चलने लग जाए, इसी तरह तवाफ काबा में शुरू के तीन चक्कर तेज से होंगे, खवातीन नॉर्मल चलेंगी इस तरह के, यहाँ पर खवातीन नॉर्मल चलेंगी लेकिन मत थोड़ा तेज से चलेंगे, बहरहाल ये चक्कर है। उसके बाद जैसे ही फारिग होंगे दो रिकात नफिल नमाज पढ़ी जहाँ मौका मिल जाए, और उसके बाद आपने हलक कराने, क्या कराना है, हलक कराना। मेरी बहने वो क्या करेंगी, अपने बाल को ऐसे लेंगी, पूरे बाल को जमा करेंगी, उस बाल को ऐसे मोड़ेंगी, और इस मोड़ने के बाद ऐसे मोड़ने के बाद इस पूरब को ऐसे काटेंगी, एक उंगली के पूरब को, ठीक है। अगर उसे लगता है कि बाल छोटे बड़े दो तरफ के, तो दो तरफ से करेंगी, ऐसे खोलेंगी, आधा ऐसा यहाँ लेंगी, आधा मोड़ को खोलेंगी, इसे काट लेंगी। और बहुत से मेरी बहनें वहां पर ऐसी करने लग जाती है, मर्द है आपका बाल देखेगा वो, ये नहीं करना वहां पर। बहुत अदब के साथ बैठना है, सिमट के बैठना है, कहीं पे कहीं जगह मिल जाए तो अपने उस स्कार्फ के नीचे से वो निकाल के वो काटना है, मैंने होटल में काटी, कोई मसला नहीं, जो आसान हो, लेकिन आपने सारी चीजों को मलूज खास रखना है। दौरान एहराम की पाबंदी में आप चेहरा भी नहीं डाल सकते, इवन कि आपको नजला है तो आप नजले में रुमाल भी नहीं रख सकते, ये तरीकेकार। कोई बात पूछनी हो अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल अगर हो तो हम और सवाल कर लेते हैं, पहले हम एहराम बांधने का तरीका सीख लेते हैं, ठीक है। उमर भाई बताए ना एहराम बांधने का तरीका क्या है, चलो मैं सिखाता हूँ, दो चादरें होती हैं, दो चादरें होती हैं, और अल्लाह पाक सबको बांधना नसीब फरमाए, इजाज़त है, आप वाला है ना, खुश नसीब है राम है ना, दोनों चादरें बराबर होती हैं, ठीक है, दोनों चादरें बराबर होती, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, दोनों चादरें बराबर होती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ऊपर वाली चादर है, ठीक है, जो ऊपर की चादर है इसमें एक बॉर्डर है, देखिए बॉर्डर है ना, बॉर्डर है ना, यहाँ तक डिजाइन है, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के साथ इसको मिलाना है, बॉर्डर बाहर रखना है, देखिए बॉर्डर मैंने बाहर रखा है, ठीक है, मैंने मिलाया नहीं है ना, बॉर्डर मैंने बाहर रखा है, और जो बाहर चादर है वो ज्यादा है ना, जो बाहर चादर है ये ज्यादा है, जो अंदर चादर है वो कम है। हमने क्या करना है, इसको पहले सीधा यूं कर लेना, ऐसे यहाँ तक आ रहा आने, यूं कर लिया, ये देखिए मैंने हाथ कैसे रखा, यूं कर लिया, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए, और इसको यूं कर लिया, ये आपका एहराम बन गया।
ठीक है, बेहतर तरीका। दूसरा दिखाएं जरा, वो नहीं खुलेगा, इंशाल्लाह सिखाया आपको ऐसा। ये देखें बेल्ट बांधे, ऐसे भी नहीं खुलेगा इंशाल्लाह, आपको सिखाएंगे आप, बताते हैं आपको, मजा आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज आपने यहाँ लगा हल्के से, ठीक है। जब आपने तवाफ करना है, तवाफ मामला क्या करना है, ऐसे करके जो तवाफ ने से करना है, ठीक है, गिस्सा खाली रहेगा, सही है। और जैसे तवाफ कर लेंगे आप, तो ये हिस्सा आपने ऐसे करके ऐसे ले आना, ठीक है। सिर्फ तवाफ में आसन के नीचे होगा, ठीक, एक साइड, ठीक है। तवाफ कर लिया ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए मेरी बात। होता क्या है कि आपने अपने मुंह को नहीं ढापना, आप बच गए, लेकिन आपके आगे जो बंदा जा उसने ये उठाया और ऐसे हमारा मुंह आया ऐसे। तो आपने जब तवाफ करना है तो सामने वाले को देखना कि उसका मिजाज क्या चल रहा है, भाई माँ बदौलत क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उसने ठक मारा मुंह पर आपका है तो आप लाजिम आ गया। तो बहरहाल आपने देखना है, आपने अपने हाथ को ऐसे रखना है कि कुछ आए बच जाए, कि आपने खुद सोचना है, क्योंकि आप आगे वाले को देख कर चलोगे, पीछे आगे वाले को पता ही नहीं हुआ उसको, क्या पता पीछे क्या हो रहा है। और इसीलिए आप भी जब ऐसे फेंकेंगे तो आपने ऐसे नहीं फेंकना, पीछे लाजमा आपने हल्के से भी करके ऐसे खींचना, ठीक है। आ जाए उजैर भाई, आ जाए, आ जाए उजैर भाई, आएंगे भाई, आ जाए, आ जाए, चले बांधे जल्दी जल्दी जल्दी, माशाल्लाह। देखिए मैं सिखा रहा हूँ, आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ज्यादा रखना है, इसको कपड़े को मिलाइए ऐसे, सब को मान लीजिए, देखा है, ठीक है। सब सुकून सुकून दे लीजिए इसको, आपने यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, ऐसे छोड़, ये ले आए, ठीक है। इसको जो बड़ा रखा था ऐसे मोड़ लें, सही है, मोड़ लें इसको, अब मोड़ें नहीं, बाहर मोड़ें। अब पता है खुलेगा ये, कैसा लग रहा है, वो सही है, नहीं खुलेगा ये, क्या बात है, नहीं नहीं खुलेगा ये, मान के लीजिए शाबाश। आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितने बेहतरीन तरीके से ये बताया जा रहा है। आप इसके अंदर देख लें जितने पॉइंट हैं, आप नोट कर लें। अब हमारे, मैं भी जब गया था मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि धोती कैसे बांधेंगे इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बांधा है कि कभी खुलेगा नहीं है बिल्कुल, माशाल्लाह। एक बार आप लोग कह दें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कैसे करना है, इस मुकाम पर खड़ो के सिर्फ सीना सामने करना है और पैर सामने करना, बस पहली दफा में। उसके बाद वो तवाफ करेंगे तो फिर सिर्फ ये हाथ रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कैसे चलेंगे, आप ऐसे चलेंगे बस, और जब मुड़ेंगे सलाम का ऐसे करेंगे, पैर नहीं मोड़ेंगे, सही है। पहली दफा सिर्फ सीना करेंगे, उसके बाद पैर नहीं मोड़ेंगे और सात चक्कर करेंगे सर, ठीक है। और रमी करना है तेज तेज, ऐसे करने को इस्तबा कहते हैं, हाँ, बस पहली दफा मोड़ देंगे उसके बाद पैर नहीं मोड़ेंगे जी, सीना कर लेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। कोई और शख्स, कोई और बंदा, आ जाओ उधर यार, तुम ही आ जाओ, जो कलर है ये
ये इस्लामिक ज़ियारत सर्विस ट्रेवल एंड टूर कोशिश करता है कि आपको सिखा के भेजे, ताकि आपके लाखों रुपए जो लगे हैं ना, इसका सही इस्तेमाल हो और आप सही से सीख के जाएं, दूसरों को सिखाएं। और इसको ये देखिए, इसको ऐसे ये मोड़ दीजिए, अब इसको मोड़ लेंगे इधर बाहर की तरफ, बाहर बाहर बाहर, शाबाश माशाल्लाह। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एहराम बांधने का तरीका भी सीख रहे हैं, इख्तिताम की तरफ हैं। तो नसीब वाले हैं वो लोग कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने तन पे एहराम सजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला एहराम को पहनकर हज उम्रा करने की तमाम ज़ायरीन को तौफीक अता फरमाए, तमाम हाज़रीन को तौफीक अता फरमाए। जो हमारी बहनें नशिस्त में बैठी हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको भी उम्रे की हज की बार बार सआदत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक ज़ियारत सर्विस ट्रेवल एंड टूर्स उम्रा इसी तरीके से नशिस्त के साथ सिखा कर, तरबियत कर कर, एक एक चीज़ बता कर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने साहिल ज़ाहिर को रवाना करते हैं कि जब वो वहाँ जाएँ तो सारी चीज़ों के अरकान बखूबी बसलूबी अदा करें, किसी उलझन का शिकार ना हो, किसी परेशानी का शिकार ना हो, बल्कि हर चीज़ को वो पहले से समझते हों। अल्लाह तबारक व ताला हमें हुज्जाज की इस खिदमत की तौफीक को मज़ीद बढ़ाए, हमें इसी तरह हुज्जाज की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने घर की बादब हाज़िरी की तौफीक हमको भी इन ज़ायरीन के सदक़े अता फरमाए। और हम अपने ज़ाहिर को ये किताब भी देंगे, जल्दी जल्दी बचाता हूँ किताब। उमर भाई हमारे जितने ज़ाहिर हैं, सलीम भाई हमारे माशाल्लाह, सलीम भाई ये तोहफा आपके जो गिफ्ट है, ये जो हमारे ज़ाहिर जा रहे हैं, तीन तीन दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह कहते हैं माशाल्लाह। ये और तीन किताबें देते हैं इनको, ये तीन किताबें और ये एक पर्चा है, इसमें सब डिटेल मौजूद है कि आपने किस बैग में क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, ठीक है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह तो कहते हैं आप लोग, अच्छा मुस्कुरा के और मजा आ जाएगा। उज़ैर भाई, उज़ैर भाई आप आना, आप आ ही नहीं रहे यार, मार्केट से शॉर्ट है हम। उज़ैर भाई को माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, आप देना खड़े होके, अच्छा अच्छा हमारे कई साहब के हाथों माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है सब चीजें इसमें मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे क्या नाम है, आ जाए हाशिम भाई, आ जाए माशाल्लाह पांच, किताबें हाँ किताबें हाँ दे दे, अच्छी मिस्त्र आवाज है। और बेगो रानी वाल पांच किताबें मौजूद हैं, ठीक है बाकी और भी बैग मोर भाई,
कोई और सवाल करना है किसी को? इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे क्या नाम है 4 अप्रैल को रात 10 बजे, उससे पहले मैं आपको टिकट दूंगा, वाउचर दूंगा, ठीक है, और वीजे के वो दूंगा। आपने 5 कॉपी सेट करा लेनी है और सब जगह डाल लेना इंशाल्लाह, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक बेहतरीन सा माशाल्लाह काबे की कोई बात, कोई नात शरीफ माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, आप रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, हम काबे को देखेंगे, रब सबको बुलाएगा, हम काबे को देखेंगे, वो दिन भी तो आएगा, हम काबे को देखेंगे। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होश खिरत मफलूज हुए, एक अपने करम ने घेर लिया, पहुंचा जो करम की चौखट पर, चौखट पर क्या मांगा और क्या भूल गया, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, हम काबे को देखेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह अब हमारी जो बहनें हैं, और आप लोग आराम ले लीजिएगा, और जो बहनें ऐसा आराम, इनका तो आराम का कपड़ा ही होता है, लेकिन वो इसका बड़े लीजिएगा, बड़ा इसका वो जो नाप के नीचे तक भी आता है, बड़ा इसका आप लीजिएगा। और कोई भी आपको सवाल करना, कोई बात कर, तो व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, और मेरे हमारे कारी साहब का नंबर भी लिख लें, कारी उमर साहब का, मैं कभी बिजी होता हूँ तो कारी साहब का नंबर लिख लें 0331, बाकी के पास तो मौजूद है, आपके पास तो मौजूद होगा ना, 250 0331। एक निकाला, एक निकाला, एक हटा दे, ज़्यादा डाल दे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश यही है, कोशिश यही है कि इस्लामिक ज़ियारत सर्विस उमरा ट्रेवल टूर ये चाहता है कि आपके जो लाखों रुपए लगते हैं हज उमरे में जाने के लिए, आप सीखे जाइए। अगर आप सीखे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, एक एक चीज़ समझ में आएगी इंशाल्लाह। और फिर जब मदीने आए ना, मदीने तो जब उसके बाद जब हाजिरी हो मदीने, मैंने आखिरी बात इसलिए करनी थी एंड में कि अब ये वक्त इफ्तार का वक्त शुरू होने वाला है, याद रखिएगा कि हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरी मस्जिद आए, हर चीज़ पर जिससे मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत करने वाले पर हक होता है, और मोहब्बत करने वाला भी हक देता है। इसी तरीके से जो मेरी मस्जिद मेरी मोहब्बत में आए तो उसके लिए अपनी शफात वाजिब कर देता हूँ। कैसा फायदा है उस करीम बारगाह की दर पे हाजिरी है। आज किसी सेठ के पास जाते हैं, बताएं कि चप्पलें हाथ में होती हैं हमारे हैं, लेकिन हमने देखा है बदनसीबों को वहाँ चप्पल की बड़ी फिक्र होती है, वहाँ चप्पल नहीं हो आगे पीछे होना चाहिए, कोई ये मुकाम वो मुकाम नहीं है, ये वो मुकाम, आप समझिए वहाँ हाजिरी का अदब, जब जाएं खामोशी रहे। और फिर इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर तू इस तरीके से गया कि मस्जिद नबी गया इस तरीके से कि समझे कि हुजूर का रोजा, यानी कि हुजूर के कब्र में को देखने जा रहा हूँ, ये तेरी नियत सही नहीं है, बल्कि तू इस तरीके से जा
हुजूर के रोजा अनवर के हुजूर तुझे देख रहे हैं, ऐसे जाएं। हुजूर फरमाते कि जो मेरी मस्जिद आए और 40 नमाजें पढ़े वो नफाक और जहन्नम की आग से बरी हो जाता है। हुजूर की बारगाह में जाना है और कहना है मेरे गंदे कदम और इनका हरम लाज रखना खुदा, मैं मदीने में हूँ, मैं मदीने में हूँ, मैं मदीने में हूँ। सब्ज गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर, पाएगा दिल जिला, मैं मदीने में हूँ, मैं मदीने में हूँ, मैं मदीने में हूँ। कैफियत से पढ़िए, हल्के हल्के सलाम पढ़िए, हुजूर की बारगाह में आके बंद करके मचल मचल के कदम देखिए, हाथ देखिए, ये क्या कम है कि हुजूर की बारगाह में हाजिर का शर्फ मिल गया। बहुत कैफियत से जाइएगा हुजूर, वहाँ आपको बहुत सारे लोग याद आएंगे। सबके लिए दुआ कीजिएगा, खाना काबा में जाएं या हुजूर के रोजे की तरफ जाएं या मस्जिद नबी की तरफ जाएं, जिससे आपको अल्लाह ना करे किसी वजह से भी नाराजगी है उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। आपको कोई जानी दुश्मन है उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। और सारी बातें करने के बाद जब मदीने से लौटे, जब मक्के से लौटे, जब उमरे से वापसी आए, तो फिर बदल के आइएगा। लोग कहें हाँ ये शहर मक्का और शहर मदीना देखकर आया है, हुजूर की बारगाह से आया है, वो हुजूर जिन्होंने हमें शरीयत सिखाई थी, वो हुजूर जिन्होंने नमाजों का हुक्म सिखाया था, वो हुजूर जिन्होंने दाढ़ी का सिखाया था, वो हुजूर जो हमें सिकस्कार सिखाते थे, अल्लाह अकबर, वो हुजूर की बारगाह से आया है। तो चेहरा बदल जाए, अंदाज बदल जाए। क्यों बदल गया? कहा जब से हुजूर की बारगाह से आया हूँ नमाज छोड़ने का दिल ही नहीं करता। और सुनो सुनो, जो हुजूर की बारगाह से कुछ लेके आएगा, हुजूर तो दुनिया में भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में भी देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई दुआ कराएंगे, उसके मेरे कहलो बेटा आप दुआ साधु सलाम। इंशाल्लाह हाशिम भाई ने एक दो शेर की फरमाइश की है, उसके बाद सलातो सलाम। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, ये मदीने चला, ये मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मदीने के जाए सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना, मदीने के जाए हो जब सामने सबसे गुंबद तुम्हारे, निहायत अकीदत से दामन बसारे, वो जब सामने सबसे गुंबद तुम्हारे, निहायत अकीदत से दामन बसारे, है गाजी तुम्हारा गुलाम से कहना, मदीने के जाए सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। आपसे दरख्वास्त है कि अपने खुसूसी दुआओं में हमारे टीम इस्लामिक ज़ियारत सर्विस को दुआओं में खुसूसी नवाजिएगा। कोई गलती गुस्सा की तो माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह की बारगाह से भी आप लोगों से जज़ाकुम अल्लाह खैरा। इस शाह साहब दुआ फरमाएंगे।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك مولا تیری دی ہوئی توفیق سے مالک تربیتی نششت میں حاضر ہوئے عمرے کے حوالے سے یا اللہ اس میں تلاوت بھی ہوئی نعت بھی پڑھی درود و سلام بھی پڑھا واعظ و نصیحت بھی ہوئی یا اللہ عزوجل ان تمام نیک کام کے کرنے سننے میں جو بھی غلطی بھی ادبی گستاخی ہو گئی ہو پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل مولا معاف فرما یا اللہ عزوجل اس کی برکت سے مالک ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ عزوجل ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما ہماری ہمارے والدین کی بہن بھائیوں کی رشتہ داروں کی استادوں کی پیر و مرشد کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مولا مغفرت فرما یا اللہ عزوجل بالخصوص ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ عزوجل جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یا اللہ عزوجل عمرے کے لیے تیاری کر رہی ہیں یا اللہ عزوجل ان کو خیر و عافیت سے یا اللہ عزوجل اس منزل تک پہنچنے کی سعادت عطا فرما یا اللہ عزوجل اس وقت جو خانہ کعبہ میں روضہ اقدس میں حاضر ہیں تمام عاشقان رسول کا واسطہ مالک ہم سب کو بھی بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ عزوجل ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے تلے مولا روزے کی حالت میں جمعے کے دن شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ عزوجل جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما سب کو شفا کاملہ عاجلہ اور نافعہ عطا فرما ہماری تمام جائز تمنا حاجتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک کے صدقے رمضان مبارک کا مبارک عشرہ عشرہ مغفرت کے واسطے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ نگاہوں پہ دیدار مصطفیٰ ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد اسلام ہلکے بنا لیجیے چھ چھ اسلام چاچا پڑھ لیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ جلدی بھی اس کو نماز پڑھیں گے دوبارہ آنا دوبارہ آ جائیں گے ان شاء اللہ پاس آ جائیں ان شاء اللہ اس کے بعد مبارک کا سلسلہ ہوگا ان شاء اللہ لنگر ہیلو ہیلو